हेलो दोस्तों, स्वागत है थोड़ा साडे चैनल देसी गार्डनिंग एंड फार्मिंग ते। दोस्तों, अगर तुसी भी अपने घर जा गार्डन दे विच नींबू का पौधा लगाया है तो तुसी देखोगे कि बरसाता तो बाद इस बूटे उत्ते बीमारियों का बहुत अटैक होंदा है। सब तो ज़्यादा अटैक होने वाली नींबू दे बूटे ते बीमारी है, जिस विच तुसी देख सकते हो कि मेरे प्लांट दे सारे पत्ते पीले होने लग पे हैं, ते इस तरह का हो गया है प्रॉब्लम। दोस्तों, इस बीमारी नू कैट्रस कैंकर किया जाता है। इस बीमारी दे विच सूंडी लग जाती है प्लांट नू। सूंडी लगन तो बाद प्लांट की ग्रोथ भी पूरी तरह बंद हो जाती है। अज असी इस वीडियो दे विच इस बीमारी का एक देसी इलाज लैके आए हाँ। सब तो पहला तो तुसी जिथे जिथे भी इस बीमारी का अटैक है, जिस जिस टाणी ते है, पत्तियां ते है, उसनू कट के तुसी ना कितने दूर सुट दो। देखो, जिमें कि थोनू मैं दिखा देवा, ये पूरी टाणी बीमार है जी, अटैक हो गया ये। हुण असी की करांगे, इनू इस जगह तो कट देंगे। अच्छी तरह दिखाना कट के। इस बीमारी के कारण थोड़े पौधे की ग्रोथ सब कुछ रुक जाएगा, हौली हौली थोड़ा बूटा मर जाएगा, क्योंकि इस बीमारी दे विच टाणियां सुकन लग जांदियां ने। फ्रूट देखो दोस्तों, मेरे बूटे नू फ्रूट किदा लगा होया है। जे इस दी बीमारी दा इलाज मैं हुण नहीं करांगा तां कुछ ही दिनां दे विच मेरा बूटा मर जाएगा। इस दे इलाज दे लई सानू दो तीन चीज़ां चाहीदियां ने, जो कि हर घर दे विच अवेलेबल हुंदियां हन। इस बीमारी दा देसी ते वधिया इलाज थानू उस दे लई एक नीम तेल, निम का ऑयल, नाल एक वाटर बोतल स्प्रे वाली, तो एक लिक्विड शैंपू या साबण चाहिदा है। दोस्तों जिमें कि तुहानू मैं दस्या कि इस दे इलाज दे लई निम का तेल ते थोड़ा जिहा साबण चाहिदा है। उसनू अच्छी तरह मिला के ना तुसी अपने बूटे नू इदां स्प्रे कर दो, अच्छी तरह स्प्रे कर दो, जिस नाल बूटा ऐन पूरी तरह नहला दो बूटे नू। ये स्प्रे तुसी इस तरह हफ्ते दे विच दो बार करो, अगर ज़्यादा है तो दो दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते दे विच दो बार करन नाल थोड़ा बूटा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। अज दी इस वीडियो दे विच दोस्तों इन्नी जानकारी देवांगे। अगर थानू साडी ये जानकारी वधिया लगी होवे ते तुसी नवी होर जानकारी लेनी चाहते हो, प्लीज़ साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू शेयर करो।